आपने देखा मेरे मुंह पे एक टॉवल रखी हुई है। वो टॉवल इसलिए रखी है क्योंकि मुझे फोटोफोबिया हो गया था, मतलब कि मैं लाइट नहीं देख पा रहा था। इतना खतरनाक पंचर करा है बच्चे के कि ये वापस इसकी टांगे उसमें आ गई, वही बहुत बड़ी बात थी। मतलब मैं हाफ पैरालाइज हो जाता हमेशा के लिए। भगवान की दया से थोड़ा बहुत जितना हम ठीक हो गए हैं, अभी की बैठ पा रहे हैं सीधे। वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। हम ठीक नहीं हो रहे मम्मी, अलग अलग प्रकार की। क्यों मैं ब्लॉग में रखा गया? मम्मी ने माला पहनाई है। मम्मी और मासी चले गए थे मंदिर। मंदिर ठीक हो जाए वो। हाँ, तो आपने जो अभी देखा वो थी मेरी कंडीशन मासी के घर पे। आपने देखा मेरे मुंह पे एक टॉवल रखी हुई है। वो टॉवल इसलिए रखी है क्योंकि मुझे फोटोफोबिया हो गया था, मतलब कि मैं लाइट नहीं देख पा रहा था। कोई भी रोशनी मेरी आंखों में आती थी तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं आँखें नहीं खोल पाता था, एकदम अंधेरा। इसलिए कमरे में अंधेरा करके मेरी आँखों पर कपड़ा रखा हुआ है टॉवल, जिससे कि लाइट मेरी आँखों में ना जाए। और कंडीशंस वर्स कैसे हुई कि पहले मेरे सर दर्द हो रहा था और मैं लेट के सर दर्द ठीक हो जा रहा था, पर अब वो सर दर्द लेट के भी हो रहा था, चाहे कितना भी सीधे ले जाओ, लेफ्ट देख लो राइट देख लो, हो रहा था। वॉशरूम जाने के लिए 1 मिनट तो लगेगा, अब मैं वॉकर से जा रहा हूँ तो उस जाने उधर तक पहुँचने में सर दर्द अपने पीक पे पहुँच जाता था। ऐसा लगता था सर को कोई पकड़ के खींच रहा है तो तुम्हारा सर फट जाएगा। मैं अपनी गर्दन जैसे उनको दिखाऊंगा, जैसे वॉकर है कुछ ऐसे, मुझे ऐसे चलना है तो मैं नीचे नहीं देख सकता, मुझे यूं ऊपर देखना पड़ता था। यहाँ से ऐसा लगता था कि कुछ नसों ने पकड़ लिया है, तो जो नसों ने पकड़ लिया था वो ऐसा लगता था कि वो नीचे खींच रही है, तो मुझे यूं करके जाना पड़ता था वॉकर से और मैं गर्दन नीचे नहीं कर सकता। तो अब आप लोग सोच सकते हो कि पहले तो टांग फिर सर, अब आप गर्दन भी नीचे नहीं कर सकते। तो इतने सारे कष्ट के कारण मैंने व्लॉग बंद करा और मैंने बोला कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, मैं टूट गया, मेरा हो गया। कि क्योंकि उसके बाद व्लॉग कोई मेरे लिए करने के लिए तैयार नहीं था, सब डांट रहे थे कि बस उठ जा तू एक बार, उसके बाद व्लॉग जितना करना हो कर लेना। बट फिर भी मैंने उसके बाद थोड़ा सा करा है, पर काफ़ी हद तक ठीक होने के बाद ये जो कंडीशन थी ये 4-5 दिन चली। और अब आप जो नेक्स्ट क्लिप्स में देखोगे वो है जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया था 7-8 दिन के बाद। वो कैसे हुआ मैं आपको पूरा बताऊं। हमने अपने हॉस्पिटल वापस फ़ोन करा और बताई अपनी कंडीशन, तो उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल वापस आ जाओ, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमने बोला कि 1-1.5 घंटे ये मतलब मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक बार हाल आपने देखा कैसा हो चुका था, घर पहुँचते पहुँचते तक बिल्कुल भी होश वाली सिचुएशन। तो आप प्लीज़ बता दो आप क्या मेजर्स लेने वाले हो। तो उन्होंने आने से पहले एक नोज स्प्रे दिया था जिससे कुछ नहीं हुआ था, तो उन्होंने बोला वो हम फिर से दे देंगे, उसके अलावा तो हम नहीं करेंगे। तो हमने सोचा कि नहीं, ये तो कोई काम का मेजर नहीं है। हमने उनसे बोला कि आप डॉक्टर से बात करा चाहिए, डॉक्टर ने बात नहीं करी। हमने कहा कि आप कल तक हमें डॉक्टर से बात करके बता दीजिए, डॉक्टर से बात करा दीजिए, कुछ भी। उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर थैंक गॉड मेरी मासी डॉक्टर है, थैंक यू सो मच मासी। ब्लॉग में सबसे पहले ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं रात को 4-4 बजे तक चीखता चिल्लाता रहता था कमरे में लेट के, क्योंकि सर दर्द इतना होता था, नींद नहीं आ रही थी, कुछ नहीं। अब इस बीच मैं मतलब पता नहीं जो भी ब्रेन में दिक्कत हो रही थी उसके कारण मैं बीच में अपने पापा से सोते सोते उठ के कुछ कुछ बेकार की बातें भी करने लगा था, जिसके कारण मेरे घर वाले बहुत डर गए थे कि पागल हो गया क्या। क्योंकि मतलब कुछ भी ऐसे होते रह गए कि मेट्रो में बैठा हुआ हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, और जल्दी जल्दी रितु को लेने जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सेंसलेस बातें आउट ऑफ नोवेयर, मैं बेड पर लेटा हूँ, कुछ भी मेरे दिमाग में चल के मैं कुछ भी बोलता था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने डिसाइड करा कि नहीं, हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाना है। और किसी तरीके से मैं गाड़ी में फिर लेट के 15 मिनट गाड़ी से स्ट्रेचर में गया हूँ इस बार। मतलब आप देख रहे हो हर बार मेरी सिचुएशन ख़राब होती गई, तो इस बार मैं फाइनली स्ट्रेचर पे पहुँचा और फर्स्ट टाइम इतने प्रोसेस के बाद मैं आंसुओं से चिल्ला चिल्ला के रोया हॉस्पिटल में। तो दूसरे डॉक्टर आए, हम उस हॉस्पिटल नहीं गए, हम दूसरे हॉस्पिटल गए जो कि मेरी मासी का था। वहाँ पर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि
इतनी खराब कंडीशन में आप आए हो। मतलब मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उससे उनको समझ में आ रहा था कि उनने तुरंत मुझे स्टेरॉइड्स लगाए, जिससे मतलब विद इन 2 मिनट्स मैं नॉर्मल फील करने लगा। दर्द हो रहा था ऑब्वियसली, और दर्द इतना कम हो गया था कि मैं चुप हो गया, मैं लेट गया आराम से, मैं बैठ पाया, बैठ तो नहीं पाया मतलब लेट पाया। तो उन डॉक्टर ने बोला कि आप लोग क्या, मतलब क्यों आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे थे, ये स्पाइनल हेडेक नहीं है। स्पाइनल हेडेक होता है कि आपको थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, आपने कैफ़ीन पिया और वो ठीक हो गया। मैं टू मच कैफ़ीन भी पी रहा था, मैं रेडबुल पी रहा था, रेडबुल के 2 कैन पी रहा था, साथ में कैफ़ीन की दवाई खा रहा था जिससे नींद नहीं आ रही थी, दिमाग ख़राब हो गया था, पर कैफ़ीन लेना था जिससे कि स्पाइनल हेडेक। तो उनने सीधे सीधे बोल दिया स्पाइनल हेडेक नहीं है मैम सर, ये कुछ और है। उनने भेजा मेरे MRI के लिए। अब MRI की रिपोर्ट जो आई, मल्टीपल पंचर्स ऑन माई स्पाइनल जिससे एनेस्थीशिया दिया जाता है, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं लिटरली सब बताते हुए। और जैसे ही रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने सीधे मेरी मासी को फ़ोन करा और बोला कि मैम इतना ख़तरनाक पंचर करा है बच्चे के कि ये वापस इसकी टांगे उसमें आ गई, वही बहुत बड़ी बात थी, मतलब मैं हाफ पैरालाइज हो जाता हमेशा के लिए। फिर ये सब बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रहा हूँ, बट ये सच है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाया उन सब बीच में कुछ भी, क्योंकि बिल्कुल कंडीशन नहीं थी। तो उसके बाद मेरी स्टेरॉइड्स की कुछ डोजेज लगी मेरे को, फिर दूसरी दवाई घर पे ही मासी लगा दिया करती थी, मासर जी लगा देते थे इंजेक्शन, वो दोनों डॉक्टर्स हैं। तो ये सब सिचुएशन होने के मतलब 6-7 दिन चला, फिर मैं खुद से वॉकर लेके एक रूम से हॉल तक जाना शुरू कर दिया वॉक करके, जिससे मतलब खाना खाने जा पा रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ, ये सब 3-4 दिन में शुरू हो पाया। फिर फर्स्ट डे 7th डे हम गाड़ी में बैठ के निकले जिस मंदिर में हम जाते हैं वहाँ जाने के लिए। चलो भगवान की, हाँ धीरे चलाना, भगवान की दया से थोड़ा बहुत जितना हम ठीक हो गए हैं अभी की बैठ पा रहे हैं सीधे, तो हम थोड़ा भगवान जी को थैंक यू बोल लें। घर के पास मंदिर है वहाँ तक जा रहे हैं, वरना तो आपने लास्ट क्लिप में देखा होगी सिचुएशन फुल आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो अभी थोड़ी कंट्रोल में आ गई है। अभी तो दिल्ली में ही है, अभी भोपाल नहीं जा पाए, ऐसा सोच के आए थे कि भोपाल बस ऑपरेशन होने के 1-2 दिन के बाद जा पाएंगे, ऐसा जा नहीं पाए। तो अब बस फटाफट भगवान जी के दर्शन करके वापस घर लौटे, क्योंकि ज़्यादा देर सीधे भी नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं, बस फटाक से भगवान जी के दर्शन करें, हाय हेलो बोले, एक चक्कर लगा के वापस घर। घर के पास का मंदिर जहाँ पे हम लोग आते हैं, बट बस दिक्कत है कि उतर के नहीं जा सकते, तो बस यहीं गाड़ी बंद करके हाथ जोड़ लिया है, माता रानी को बहुत बहुत थैंक यू करा है कि कर दिया इतना ठीक कि हम सीधे बैठ पा रहे हैं। तो भाई फाइनली से हम दिल्ली को टाटा बाय बाय करके भोपाल की ओर निकलने के लिए रेडी बैठे हैं, और बस आए थे तो बिना वॉकर वॉकर के आए थे। अभी ये हमारा रथ हमारे साथ में जाएगा बैठे हुए, अभी टैक्सी आएगी वहाँ से जाएंगे। तो बस प्लेन से जाने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो इसलिए हमको ट्रेन से जाना पड़ रहा है। ये हमारी मासी, मासी ब्लॉग चल रहा है। अरे कोई नहीं मासी, ये हमारी मासी थी, मासर जी बैठे हैं, दोनों को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थैंक्स, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सेवा करी, बहुत ज़्यादा सेवा करी। तो थैंक यू मासर जी, मासी आप लोगों ने बहुत हेल्प करी, बहुत सेवा करी। और बस अब चलते हैं दिल्ली से भोपाल जाकर मिलते हैं, भोपाल अपने घर, बहुत अच्छा लगता है अपने घर जाकर। ये हम व्हीलचेयर लेके दिल्ली स्टेशन पे जा रहे हैं अपनी ट्रेन में बैठने, क्योंकि फ़्लाइट से जाना मना हो गया था, क्योंकि हमारे सर में बहुत सारे आड़ी तिरछी चीज़ें हो गई थी, जो कि ठीक थी बट फिर भी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी था। तो हम व्हीलचेयर से जा रहे हैं, थोड़ा बहुत खुशी, थोड़ा बहुत दुख कि अपने पैरों पे आए थे और ऐसे जा रहे हैं। पर भोपाल पहुँचने के बाद सब थोड़ा ठीक ठीक लगने लगा था, और जस्ट मतलब मैं 2 दिन पहले पहुँचा जब मेरे एग्ज़ाम्स थे यूनिवर्सिटी के, तो आते ही हमने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, जैसा कि आप देखोगे पढ़ाई चल रही है। और अब आगे आप ढेर सारी वीडियोस हैं कुछ जो मेरे एग्ज़ाम की हैं कॉलेज की, और मैं बहुत परेशान हो गया था घर पे बैठे बैठे, इतना बाहर घूमने वाला, लिटरली
वर्ड बोलूँगा, आवारा इंसान घर पे बैठ गया था। तो वो इतनी मुश्किल सिचुएशन थी, पर मेरे मॉम डैड चीकू नैन शुभम इन पांचों ने मिलके जितनी मेरी हेल्प, मतलब मेरे को बाइक पे मेरा वॉकर एक बाइक पे रख के दूसरी बाइक पे मेरे को घुमाना, कार से लेके जाना, मतलब जिस भी तरीके से ये लोग हेल्प कर सकते थे इनने करी है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई लंगड़ा हो गया है तो उसको घर पे छोड़ दिया और अपना घूम रहे हैं, जितना पॉसिबल हो सकता था, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता था उल्टा बैठा के बीच में बैठा के मुझे लेके गए हमेशा। मतलब मेरे पिलर्स लाइफ के उस टाइम पे ये लोग बन गए थे, वॉकर तो था ही, ये लोग भी बहुत बड़े पिलर्स बन गए थे। मुझे आज भी क्रिस्टल क्लियर याद है वो दिन, एक दिन हम होम वॉकर लेके अपने कॉलेज में घुस रहे थे, तो टीचर ने नयन शुभम चीकू तीनों साथ थे, हम वॉकर लेके घुस रहे थे, तो कुछ मतलब कुछ होना था शायद कमरे में पहले, तो मैम एकदम से बोली कि अरे अरे यू आर नॉट अलाउड इनसाइड गेट आउट ऐसा करके कुछ। तो मैं कुछ बोलता उससे पहले चीकू ने चिल्लाया कि मैम आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो लंगड़ा हो गया है, उसको कैसे आ रहा है आप कैसे बोल रहे हो। तो उनने नोटिस करा कि भाई एक लंगड़ा भी है, तो उनने बोला ओके ओके सॉरी कम सिट इनसाइड। तो मतलब बहुत सारी सिचुएशंस हुई जो ओवरवेलमिंग थी, कि थैंक गॉड मेरे पास ऐसे दोस्त ऐसे पेरेंट्स हैं, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू। मतलब इतनी मुश्किल सिचुएशन में हमेशा मेरा हाथ पकड़ के मेरे को हर सिचुएशन में हेल्प करी, अगर ये तीनों ना होते तो मैं कॉलेज एग्ज़ाम दे ही नहीं पाता शायद। इन लोगों ने इतनी हेल्प करी, मैं बॉक्स नहीं उठा पाता था अपना क्योंकि मेरे को दोनों हाथ से चलना पड़ता था ऐसे रख के, मेरे को क्लास तक लेने आना, मुझे क्लास तक छोड़ना, मतलब जो हो सकता था जो पॉसिबल थी वो इनने सब करी। मैं इतना थैंकफुल हूँ तुमको, मुझे पता है तुम लोग देख रहे हो, तो तुम लोगों को दिल से थैंक यू। मेरे मासी मासर जी आप लोगों को तो हद से ज़्यादा थैंक यू, शायद आप लोगों के ही कारण मैं ठीक होकर यहाँ पहुँचा हूँ, और स्पेशली माय पेरेंट्स, आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है, आई लव यू बोथ, और थैंक यू मेरे लिए सब करने के लिए। बस यही है ब्लॉग का अंत, हम जो कर सकते थे हमने करा, आई केम बैक स्ट्रॉन्गर और मैं अब अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ, 200 किलो लेग प्रेस लगा सकता हूँ, और अब एक फाइनल वो मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरा जॉब की जॉइनिंग आ गई है, तो अब और ख़तरनाक ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो फटाफट जाओ सब्सक्राइब कर लो और इन्जॉय कराओ, तो ज़रूर लाइक करके जाना, इस ब्लॉग में बहुत सारी मेहनत लगी है, वो मेहनत वेस्ट ना जाए, लाइक करते हो तो यार मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, तो प्लीज़ मुझे उस मोटिवेशन की ज़रूरत है कि मैं मुंबई जाके अपनी जॉब के साथ ब्लॉगिंग ना छोड़ूँ, तो लाइक ज़रूर करके जाना।